नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल न्यू गैजेट्स यूज में। आज हम बात करने वाले हैं रियलमी की जो C1 सीरीज है, जो कि मतलब स्टार्टिंग सीरीज है। जैसे कि यहां पे शॉमी की रेडमी 5A आता है, 6A आता है, जो कि है 4A आता था, यहां पर जो है उसी तरीके से यहां पर जो है रियलमी ने अपनी सी सीरीज को लॉन्च किया है, जिसका पहला मॉडल है रियलमी C1 एंड इसका अपडेटेड मॉडल है जो कि है रियलमी 2। मैं आज आपको मना कर रहा हूँ कि आपको Realme C1 जो है नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, हम आपको जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखते हैं कि आपको जो है यहाँ पर Realme C1 को छोड़कर आपको Realme 2 क्यों लेना चाहिए, सिर्फ कितना डिफरेंस है 2000 रुपये का, बात कर लेते हैं इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले हम जो है दोनों फ़ोन की बात कर लेते हैं। जो कि Realme का जो C1 है वो आएगा आपको 6999 का, मतलब 7000 रुपये का वो प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, जिसका वेरिएंट है 2GB 16GB। एंड Realme 2 जो कि आएगा 8990 का, मतलब 9000 रुपये का। प्राइस में डिफरेंस की बात करें तो 2000 का डिफरेंस है प्राइस में, लेकिन फीचर में आपको क्या बेनिफिट मिल जाएगा। देखो, हम कभी एक साल में एक बार या फिर जो है 6-7 महीने में एक बार फ़ोन लेते हैं, अगर हम 2000 रुपये एक्स्ट्रा पे करेंगे तो वहाँ पर जो है हमें फीचर्स थोड़े से एडवांस मिल जाएंगे। क्या एडवांस मिल जाएंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं इस फ़ोन के डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन इन दोनों फ़ोन का सेम है, जो कि है नॉच वाला डिस्प्ले, जो कि है 6.2 इंच का HD+ डिस्प्ले IPS LCD स्क्रीन के साथ में, जहां पर आपको ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, 19:9 का स्क्रीन रेशियो। तो ये है Realme C1 और Realme 2 का डिज़ाइन, जो कि दोनों में ही सेम है, सिर्फ यहां पर कुछ फीचर्स को कम करके प्राइस कम कर दिया है। तो बात करते हैं क्या फीचर्स जो है कम किए हैं। तो बात करते हैं बैक डिज़ाइन की। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो कि मेरे पास अवेलेबल है ये है Realme 2, जहां पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर आपको जो है देखने को मिल जाएगा। सिर्फ इस फिंगरप्रिंट को हटाकर यहां पर जो है Realme C1 बनाया है डिज़ाइन में, जो कि आपको Realme C1 के अंदर जो है डिज़ाइन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। तो यार, हम 2000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके क्यों नहीं सिक्योरिटी की तरफ हम जाएं, यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अलावा हमने भी तो जो है डिज़ाइन में फिंगरप्रिंट की बात की है, जो कि हमें जो है लुक दे रहा है फिंगरप्रिंट का। एंड इसके अलावा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो चिपसेट आपको जो है दोनों ही फोन में सेम मिलेगा, जो कि है स्नैपड्रैगन 450, जिसका परफॉर्मेंस हमें जो है एवरेज देखने को मिलता है, जो कि हमने यहाँ पर Realme 2 में परफॉर्मेंस में चेक किया है। अभी नहीं देखा है आपने वीडियो तो आपको आई बटन में जो है लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप जो है Realme 2 का परफॉर्मेंस वीडियो देख सकते हैं। बात करते हैं हम यहां पर दोनों ही फोन के कैमरे की। तो यहां पर पूरा फोन ही सेम है, कुछ फीचर्स को कम कर दिए हैं। जैसे कि कैमरा आपको मिलेगा जो कि है 30MP+2MP, जहां पर अपर्चर लेंस है f2.2 एंड 2.4, जो कि है बैकग्राउंड का आपको डेप्थ वाला है 2.4, और जो है प्राइमरी कैमरा जो कि है 30MP का वहां पर है f2.2। एंड आपको फ्रंट कैमरे में जो है ये है हमारे पास Realme 2, जहां पर आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा जो कि है 8MP का, लेकिन Realme के C1 में आपको जो है देखने को मिलेगा सिर्फ 5MP का फ्रंट कैमरा। तो ये आपको जो है डिफरेंस देखने को मिल जाता है कैमरे में। डिज़ाइन में हमने देखा कि बैक साइड में आपको जो है फिंगरप्रिंट से गायब कर दिया था C1 का, एंड यहाँ पर जो है कैमरे में गायब कर दिया है फ्रंट कैमरा, मतलब गायब नहीं किया, कम कर दिया है, जो कि है 8MP से 5MP। एंड अब चलते हैं इसके अलावा स्टोरेज की तरफ, जहाँ पर आपको Realme C1 में मिलेगा 2GB और 16GB स्टोरेज। बात करते हैं यहाँ पर Realme 2 की, तो वहाँ पर जो वेरिएंट आता है 3GB 32GB, जो कि बेस वेरिएंट है, एंड अपडेट वेरिएंट पे आता है इसका, जो कि प्राइस में अगर कंपेयर करें तो आपको Realme C1 2GB वाला मिलेगा 7000 रुपये का, एंड Realme 2 आपको मिलेगा 9000 रुपये का। 2000 रुपये का डिफरेंस है। आपको जो है बिग वेरिएंट के साथ में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 9000 का हो गया 900 रुपये, तो आपको 8090 रुपये में ये फ़ोन देखने को मिलेगा Realme 2। अगर आपका बजट था 7000 रुपये का बिग बिलियन को हटाकर, क्योंकि उसमें भी डिस्काउंट मिलेगा Realme C1 में, अगर आपका बजट था 7000 रुपये का, तो क्यों नहीं आप 8090 रुपये का Realme 2 परचेज कर ले बिग बिलियन डे में। तो आप बताना कि आइडिया कैसा लगा ये फ़ोन का, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका बजट था 7000 रुपये का, अब आपको पे करने सिर्फ 1100 रुपये, तो वहाँ पर आपको डिफरेंस मिल रहा है एक रैम वेरिएंट का, जो कि स्टोरेज के साथ में यहाँ पर 3GB रैम हो गई, आपका फ़ोन लैग नहीं करेगा। साथ में हम बात करें पबजी की, तो वो भी बिल्कुल लैग नहीं करेगा 3GB के साथ में, क्योंकि मैंने खुद ने प्ले किया है Realme 2 के अंदर। एंड इसके अलावा बात करते हैं हम फ्रंट कैमरे की, जो कि 5MP हो गए 8MP से, क्योंकि Realme 2 में आपको मिलेगा 8MP का और Realme C1 में मिलेगा 5MP का। एंड इसके अलावा हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर, क्योंकि सिक्योरिटी में यार थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए फिंगरप्रिंट सेंसर। तो यार, ये तीन चीज़ों का डिफरेंस है, अगर आप 1100 रुपये एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं नहीं यार मेरा बजट ही 6-7000 रुपये का है, तो इस प्राइस सेगमेंट में Realme C1 भी जो है काफ़ी अच्छा ऑप्शन है।
एंड इसके अलावा बात करते हैं और फीचर्स की, तो आपको यहाँ पर जो है कुछ सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि है एक्सेलेरोमीटर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास सेंसर, ये तीन सेंसर है रियलमी के C1 में। एंड इसके अलावा ऐड हो जाएगा फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि हमने पहले डिस्कस कर ही लिया है, आपको ऐड हो जाएगा जो कि है रियलमी 2 में। एंड इसके अलावा बात करते हैं इसके अलावा परफॉर्मेंस में बैटरी की, इसका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, 4230 mAh की बैटरी 7,000 और 9,000 रुपये की प्राइस में, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा हमें बैटरी के साथ में, जो कि अगर आप रियलमी C1 परचेस कर रहे हैं कि आपका बजट 6,000-7,000 रुपये का है, मुझे C1 ही परचेस करना है, मुझे जाना ही नहीं है रियलमी 2 की तरफ, तो यार 4230 mAh की बैटरी 7,000 रुपये की प्राइस में कितना अच्छा एडवांस है। जाते हैं रियलमी 2 के अंदर, तो काफ़ी अच्छा है जो कि सजेशन है मेरा, बाकी आपकी चॉइस है। तो ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स में, और कमेंट कीजिएगा आपका क्या मानना है इस वीडियो के बारे में, क्या आप परचेस करने वाले हैं रियलमी 2 C1 को छोड़कर या वैसे ही परचेस कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपकी फोन स्क्रीन पर जो है न्यू गैजेट्स आइकन देखने को मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप हमारे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा जैसे कि आपको लेटेस्ट और उसका अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो में, देखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।